किसी भी जाति समुदाय की व्यक्ति का जब मौत होता है तो उसका जल्द से जल्द पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, क्योंकि उसके धर्म के अनुसार जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। लेकिन आज की सच्ची घटना में बिल्कुल इसका उलट होता है। एक लड़की की मौत तो हो जाती है लेकिन ये मामला जो है पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पे लड़की के माता पिता पुलिस वालों को गुहार लगाते हुए कहते हैं कि साहब मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बेटी है। लेकिन वहीं पे पुलिस प्रशासन एक ही बात कहता है हर बार की जब तक लाश का डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता तब तक लाश किसी के हवाले नहीं की जा सकती है। उसके बाद से पुलिस प्रशासन डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल के एक मोर्चरी में रखवा देती है और समय धीरे धीरे समय बीत जाता है, यानी कुल 40 महीने का समय बीत जाता है। उस दौरान उस लाश भी कंकाल के रूप ले लेती है। लेकिन आखिरकार 40 महीने बीतने के बाद इस केस की जब खुलासा होती है तो पुलिस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए न केवल उस लाश के उसके माता पिता के हवाले ही करती है बल्कि आनंद फानंद में ही वो अपने सामने संस्कार भी करवा देती है। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से आम लोगों के पास पहुंचती है तो लोगों का गुस्सा जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर ही टूट पड़ता है, क्योंकि सच में आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं दरअसल यह आपको भी कहीं ना कहीं परेशान कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है, जरूर कर लीजिएगा। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल ये घटना होती है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है इटावा, और इसी इटावा जिले के आसपास एक थाना लगता है जसवंत नगर, और इसी जसवंत नगर थाने के आसपास में एक गांव होता है चकसलेमपुर। उस थाने के अंतर्गत चकसलेमपुर गांव के रहने वाली रीता कुमारी होती है। अब रीता जिसकी उम्र होती है करीब करीब 19-20 वर्ष के आसपास, तो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। रीता के परिवार में उसके माता पिता के अलावा दो और अन्य भाई होते हैं। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 19 सितंबर 2020 की। रीता अपनी माँ से बोलती है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में वापस लौट जाऊंगी। लेकिन रीता जब एक बार अपने घर से बाहर निकलती है दोबारा वो कभी घर ही नहीं आ पाती। लेकिन उसके बाद से जब रीता के माता पिता उसकी हर जगह पे तलाश करवाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी रीता का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। इसीलिए रीता के माता पिता इसी जसवंत नगर थाने के भीतर जाकर अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। लेकिन पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है लेकिन इसकी केस को कुछ खास सीरियस तरीके से नहीं उलेती, और धीरे धीरे करके करीब करीब एक सप्ताह का समय बीत जाता है। लेकिन जैसे ही एक सप्ताह का समय बीतता है आखिरकार एक सप्ताह के बाद इसी चकसलेमपुर गांव के बाहर एक खेत के भीतर एक लाश पुलिस वालों को मिलती है। अब पुलिस प्रशासन को जैसे इस तरह की खबर मिलती है पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है और सबसे पहले उस लाश को चेक करती है तो पता चलता है कि मरने वाली एक लड़की होती है, लेकिन उसका चेहरा काफी बुरी तरीके से बिगड़ चुका था जिसके कारण उसकी पहचान सही तरीके से नहीं हो पाती है। दरअसल उस लाश को देखने के बाद पता चलता है कि शायद उसके हत्या करने के बाद उसके शरीर के ऊपर कोई केमिकल डाल करके उसको जलाया गया है। लेकिन पुलिस ये भी सोचती है कि शायद वही केमिकल से उसकी हत्या भी कर दी गई हो। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी जो है इधर रीता के माता पिता को पता चलता है वे लोग भी घटनास्थल पर फिर से पहुंच जाते हैं और वहां लाश के कपड़े और चप्पल को जब देखते हैं तो देख करके वो पहचान जाते हैं और रोते बिलखते हुए पुलिस वालों को बताते हैं साहब ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बेटी रीता है। पुलिस सबसे पहले जो है उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। साथ ही साथ रीता के माता पिता को अपने साथ पुलिस थाने ले आती है और फिर इन दोनों से रीता के बारे में पूछताछ करने लगती है। अब इस पे रीता के माता पिता पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब हमारी बच्चों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि हमारे ही पड़ोस का रहने वाला राम कुमार यादव और उसके परिवार वालों ने किया है। पुलिस प्रशासन जब इसकी वजह पूछती है तो पता चलता है कि रीता और राम कुमार का प्रेम प्रसंग चल रहा था। राम कुमार जो कि ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं होता बल्कि उसके बच्चे भी होते हैं, अब राम कुमार और रीता के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते बल्कि फोन कॉल के जरिए बातचीत भी करते हैं। लेकिन तभी इस बात की जानकारी जो है रीता के घर परिवार वालों के साथ साथ राम कुमार के घर परिवार वालों को भी पता चल जाता है, जिसके कारण से दोनों के घर परिवार वाले इन दोनों के खिलाफ हो जाते हैं। अब रीता के माता पिता जब इस तरह की सारी बातें पुलिस वालों को बताते हैं पुलिस राम कुमार के नाम पर जो है नामजद मुकदमा तो दर्ज कर लेती है
लेकिन उसके साथ ही साथ रीता के माता पिता से यह भी कहती है कि अब तक लाश का पहचान नहीं हो पाया कि मरने वाली लड़की जो है वो रीता है या फिर कोई और है। एक बार उसका डीएनए टेस्ट करवा लेने दीजिए, अगर हमें पता चल गया कि रीता की मौत हो गई है हम इस केस की आगे की तरफ बढ़ेंगे लेकर के। अब पुलिस प्रशासन न तो रामकुमार को थाने बुलाती है और न ही उससे कुछ पूछताछ करती है। हालांकि पुलिस जब रीता के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो उससे भी ये साफ साफ पता चल जाता है कि रीता ने आखिरी बार रामकुमार से ही बातचीत किया था। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस इस केस में कोई कार्रवाई तेजी से नहीं करती है। इसी दौरान जो है रीता के माता पिता पुलिस प्रशासन से उस डेड बॉडी को अपने पास मांगते भी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उस लाश को रीता के माता पिता के हवाले नहीं करती है। वो पुलिस बताती है कि एक बार डीएनए टेस्ट करवा लेने दीजिए, उसके बाद लाश के आपके हवाले कर देंगे। लेकिन वहीं जैसे इस बात की जानकारी इधर रामकुमार के घर परिवार वालों को पता चलता है, अब सब के सब जो है घर छोड़ करके भाग जाते हैं। इधर रीता के माता पिता पुलिस थाने में कई बार जाती है और पुलिस से डीएनए टेस्ट करवाने की मांग भी करते हैं, लेकिन पुलिस भी इनकी कुछ भी नहीं सुनती है। और धीरे धीरे करके करीब करीब 1 साल और 4 महीनों का समय बीत जाता है। पुलिस न तो डीएनए टेस्ट करवाती है और न ही उस लाश को रीता के माता पिता को देती है। ऐसे करते करते करीब 3 साल 4 महीने का समय लग जाता है। अब ऐसे में रीता के माता पिता बार बार दबाव डालते हैं। रीता के माता पिता जब पुलिस के ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं तब जाकर के पुलिस पहली बार जो है मार्च 2022 के भीतर उस लाश के सैंपल लेकर के रीता के माता पिता का डीएनए हैदराबाद के लेबोरेटरी में भेज देती है। 26 मार्च 2022 को जब डीएनए रिपोर्ट आती है तब उस रिपोर्ट के भीतर कुछ साफ नहीं बताया जाता है। दरअसल रिपोर्ट के भीतर ये कहा जाता है कि सैंपल सही न होने के कारण से ये क्लियर ही नहीं हो पाया है कि वो डेड बॉडी किसका है। आखिरकार मामला जैसे कि तैसे पहले की तरह रह जाता है। इसके बावजूद भी रीता के माता पिता कई बार पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि लाश हमारे हवाले कर दी जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन रीता के माता पिता के बातों को ही नहीं सुनती है। और फिर जाकर और करीब 5 महीने का समय बीत जाता है। अब रीता के माता पिता करीब पुलिस के ऊपर दबाव देते हुए कहते हैं कि दोबारा से डीएनए टेस्ट करवाया जाए। अब जैसे ही 5 महीने का और समय बीतता है आखिरकार अगस्त 2022 के भीतर फिर से उस लाश के सैंपल और रीता के माता पिता का डीएनए लेकर के हैदराबाद लेबोरेटरी में फिर से भेजा जाता है। 18 अगस्त 2022 को जब दूसरी बार डीएनए रिपोर्ट आती है तो दूसरी बार भी डीएनए रिपोर्ट ठीक वैसा ही आती है जैसे पहले बताया गया था। दरअसल दूसरी बार के में भी यही चीज कहा जाता है कि सैंपल सही ना होने के कारण रिपोर्ट ठीक नहीं आ पाया। अब दूसरी बार भी उस लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती। अब उसके बाद से जब रीता के माता पिता पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव जब बनाते हैं कि तीसरी बार डीएनए टेस्ट करवाया जाए, पुलिस प्रशासन रीता के माता पिता के बातों को नहीं मानती। अब रीता के माता पिता जब अपनी तमाम प्रयास कर लेते हैं, पुलिस जब उनकी एक बात नहीं सुनती है, अब रीता के माता पिता भी अपनी जिद से वो पीछे ही नहीं हटते हैं और आखिरकार मजबूर होकर के हाईकोर्ट का दरवाजा पहुंच जाते हैं। अब हाईकोर्ट का दरवाजा जब खटखटाते हैं, एक अर्जी अपने हाईकोर्ट के भीतर देते हैं कि हमारी बच्ची का डीएनए टेस्ट तीसरी बार करवाया जाए, अगर इसमें कुछ पैसों का अगर खर्च होगा तो हम पैसे भी देने के लिए तैयार है। लेकिन रीता के माता पिता जैसे इस तरह की अर्जी हाई कोर्ट के भीतर देते हैं, हाई कोर्ट जब इस गुहार को सुनती है तो पुलिस को डांटते फटकारते हुए कहती है कि ये भारतीय कानून के तहत अगर कोई भी लवारिस लाश पुलिस वालों को अगर मिलती है तो 72 घंटों तक अपने पास ही रख सकती है, और अगर इन 3 दिनों के भीतर अगर उसका पहचान नहीं हो पाता है उसका कुछ सैंपल रखने के बाद उस लाश का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। आखिरकार पुलिस प्रशासन इस लाश को इतने महीनों तक क्यों मर्चरी में रखवाई है? तो हाईकोर्ट जैसे इस तरह की फटकार पुलिस वालों को लगाती है तब जाकर के पुलिस भी की नींद खुल जाती है और पुलिस प्रशासन इस केस को काफी गंभीरता से लेती है। अब साल 2023 के शुरुआती महीने में जनवरी के महीने में पुलिस फिर से सैंपल लेकर के हैदराबाद के लेबोरेटरी में भेजती है, लेकिन साल 2023 के शुरुआती महीने में ही हैदराबाद से जब तीसरी बार रिपोर्ट आती है डीएनए का तो इस तीसरी रिपोर्ट के भीतर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हो जाता है। दरअसल इस रिपोर्ट के भीतर 3 साल 4 महीनों के बाद जब 40 महीनों के बाद तीसरी बार डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा जाता है कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि चक सलेमपुर के गांव के ही रहने वाले रीता कुमार ही है।
अब जैसे इस तरह की डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आता है, पुलिस अब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उस लाश को रीता के माता पिता के हवाले ही कर देती है। साथ ही साथ वो आनंद फानंद में अपने साथ ही उस भाइयों द्वारा उसके रीता की लाश का अंतिम संस्कार भी पुलिस करवा देती है। लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविजन और अखबारों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचता है, तब लोग पुलिस के सामने कई तरह के सवाल उठाने लगते हैं। दरअसल इधर रीता के माता पिता भी पुलिस वाले को बताने लगते हैं कि आखिरकार हमारी बेटी का सिर्फ पहचान कराने में पुलिस प्रशासन को जब 40 महीनों का समय लग गया, तो फिर न जाने पुलिस अब अपराधियों तक कब तक पहुंचेगी। इस बात की जानकारी जैसे ही रीता के माता पिता को, आसपास के रहने वाले राम कुमार को पता चल जाता है, अब राम कुमार कोर्ट के भीतर जाकर के सरेंडर करता है। मीडिया पत्रकार जब इस बारे में पुलिस वालों से पूछताछ करते हैं, तो पुलिस जवाब देते हुए कहती है, हम इस केस के भीतर तब तक अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे जब तक हम ये नहीं पता कर लेते कि मरने वाली लड़की रीता ही है। अब चूंकि एक बार कंफर्म हो गया है कि लाश रीता का ही है, हम अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उसे सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन को जब एक लाश की पहचान कराने में जो 40 महीनों का समय लग जाता है, तो पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में वाकई और कितना समय लग सकता है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों को ख्याल रखे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।